तो फ्रेंड अभी हम सबसे पहले चाशनी बनाने वाले हैं जलेबियों के लिए, फिर हमारी जलेबी सीखेंगे बगल में। तो चलिए जल्दी से चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने ढेर सारी चीनी ले ली है कढ़ाई में, ऐसे हम चाशनी तैयार करेंगे। फ्रेंड चाशनी को प्योरीफाई करने के लिए हम थोड़ा डालेंगे इसमें नींबू, जिससे कि इसकी गंदगी ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अभी मेरे यहाँ पे किसकी सब्जी बन रही है सुबह के टाइम पे। और मेरे यहाँ पे छोले आलू बन रहे हैं, छोले आलू मतलब छोटे छोटे साइज के आलू हैं, उनको साझे मतलब साबुत बना रहे हैं उबालने के बाद। तो छोला आलू बोलता हूँ मैं तो उनको, जब भी मेरे घर में बनते हैं तो मैं वही बन रहा हूँ। मेरे पापा जी बना रहे हैं क्योंकि मेरे पापा जी घर पर ही हैं, मेरे पापा जी मस्त सब्जी बना लेते हैं तो वही बना रहे हैं सामने चूल्हे पर। तो फिर चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे बना रहे हैं। भाई में डाला जीरा, हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद अपने छोले आलू डाल देंगे इसमें। जीरा छोले आलू, तो आप आलू को साथ दे सकते हैं छोटे छोटे से। अपन ये बन रही हमारे घर की देसी जलेबियाँ, आप देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी करारी होती हैं और ये मेले में मिलती है, वैसी जलेबी है मेरी मम्मी बना रही है। बारी की तरफ जा रही है। एक तरफ जलेबी मम्मी बना रही है, मम्मी और सिस्टर मिल गए, दूसरी तरफ बन रही है सब्जी को पापा बना रहे हैं। अब जलेबियों से हो गए सीधे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। सब्जी की भी थोड़ा आलू आलू फ्राई हो रहे थे, हो गए होंगे आलू फ्राई। आगे की ओर देखते हैं आगे क्या होने वाला है, इधर से उधर भागना है। मैं पापा जी के पास आ गया और अभी भी आलू फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी आलू यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं तेल में, हो गए निकालना हो गए। तुम सोच रहे वैसे अंग्रेज नहीं, आलू हमारे हो गए फ्राई, अब इनको निकाल लेंगे बाहर। वो निकाल लें, थोड़ा सा जीरा हमारी सब्जी बनाई जाएगी इससे। जीरा इसमें हमारी प्याज हरी मिर्च, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है। हम अच्छी तरह से भून लेंगे। कहाँ बन गया सही है। यहाँ पे ऐसे घूम रहा था वो।
तो फ्रेंड अब इनको थोड़ी देर धीमे आंच पर पकने देना, तुम्हारी छोले की आलू की सब्जी बन के तैयार। पापा की सब्जी बनिए। ये लीजिए हमारी जलेबियाँ और पापा जी की छोले वाली सब्जी भी तैयार है, मतलब छोले आलू की सब्जी और एकदम टॉप की सब्जी बनाई है, एकदम मस्त टॉप की सब्जी है। बाकी आप हमारी छोले बड़े बड़े हैं थोड़े, जलेबियाँ तो देख ही सकते हो, और ये जलेबियाँ एकदम उस तरह की है जैसे हमारे घर इतना मेला वगैरह लगता है, मेले में मिलती हैं रेड रेड वाली, तो हमने वही वाली बनाई है सेम, और इनका टेस्ट भी सेम वैसा ही है। और ये रहा दही का, दही का कटोरा हमारे पास जीरा, और टूट पड़ो दही के साथ खाओ मस्त। काफी करा रही है, सामने मैंने जा खा के देखा कर रहा कर के देखा। कैसी बनी है? बढ़िया, बहुत अच्छी है, काफी क्रंची, काफी टेस्टी है, चाहिए? बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी, काफी क्रंची है, काफी क्रंची है, काफी क्रंची है। मैं बोला, तू बोल। मम्मी बोल रही काफी क्रंची है, काफी क्रंची है। जब मेला में नहीं मिलेंगे तो मैं घर ना बना के खा सकता हूँ, बाजार में नहीं मिलेंगी तो घरों ना, मेला तो लगे ना 6 महीना हलवाई की दुकान बंद है घर पे। फ्रेंड तो फ्रेंड हलवाइयों की दुकान बंद हुई तो क्या हुआ, हम घर पे ही बना के खा सकते हैं, और आप भी खा सकते हो, आप भी खा सकते हो, काफी क्रंची और बहुत अच्छी बनी, टेस्टी, आप भी बना के खा सकते हो, आप भी बना के खा सकते हो घर पे मस्त तरीके से। बस बंद कर कैमरा।